नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक मीडियम साइज कोबरा सांप इस नीम के पेड़ पर चढ़ा है और अभी इस पलाश के पेड़ पर जा बैठा है। हम इस कोबरा सांप को कैसे रेस्क्यू करते हैं देखने के लिए और क्या सच में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, इस बात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम ऐसे ही सांपों के और अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में नई नई जानकारी के वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। अश्विन नागे बाप जो भास्कर पाटिल ए उड़ी मारो भाई। वैसे देखा जाए तो कोबरा सांप ज्यादातर जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों की तलाश में ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि इस नीम के पेड़ पर भी पक्षियों के घोंसले हैं, शायद उन्हीं की तलाश में ये कोबरा सांप इस पेड़ पर चढ़ गया होगा। आप कई बार टीवी सीरियल और फिल्मों में भी इच्छाधारी नाग नागिन को अपना रूप बदलते देख चुके होंगे। आपके मन में भी कई बार ये सवाल आता होगा कि क्या सच में ऐसा भी होता है, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब अवश्य मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एक इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा सांप है जो बहुत ही वेनेमस होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है जो नर्वस सिस्टम पर असर करता है। फिलहाल कोबरा सांपों का मीटिंग पीरियड शुरू है, इसलिए अपने जुड़ीदार की तलाश में ये इधर उधर घूमते हैं। और इनके बाहर निकलने का दूसरा कारण है गर्मी। पौराणिक कथाओं में भी इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र कई बार किया जाता है। इनके अनुसार जब कोई नाग या नागिन 100 साल तक जीते हैं तब उन्हें अपने इच्छा अनुसार रूप बदलने की शक्ति मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा विज्ञान कहता है कि हर एक जीव की अलग अलग विशेषताएं कितनी भी क्यों न हो, लेकिन पृथ्वी पर जिस जीव ने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी अटल है। नाग और नागिन की औसतन उम्र 15 से 20 साल तक ही होती है, तो सोचने वाली बात है कि वे 100 सालों तक कैसे जिएंगे और उन्हें रूप बदलने की शक्ति कैसे मिलेगी। दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर सच में इच्छाधारी नाग नागिन होते तो फिर वे लोगों के हाथों क्यों मारे जाते और हम भी बार बार उन्हें लोगों से क्यों बचाते। वो खुद ही अपना रूप अन्य किसी रूप में बदल कर आसानी से बच जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये सारी बातें काल्पनिक है जिनके कारण सिर्फ हमारा मनोरंजन होता है। दुनिया में ऐसा कोई जीव, इंसान, जानवर या नाग नागिन नहीं होता जो अपने इच्छा अनुसार रूप बदल सके। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।